हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शहरी यार। तो दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज किस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फ्री फायर मैक्स को अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर कैसे खेल सकते हैं। एक सिंपल सा मेथड है, आप लोगों को कोई वीपीएन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई भी एरर आ रहा है तो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी टेंशन की बात नहीं, आपका भाई आपको फौरन रिप्लाई करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक अनाउंसमेंट शेयर करनी थी कि यार, अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 20 लाइक कंप्लीट करते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जो हम लो एंड पीसी यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोग जल्दी से जाओ, नीचे वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि वो वीडियो आप लोग देख पाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो आप लोगों के लिए। खैर, अगर आप लोग लाइक का एम मुकम्मल कर देते हो और अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से जाओ, नीचे सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी चीजें लेकर के आता रहता है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इसके लिए आप लोगों को मीमो एमुलेटर को डाउनलोड करना है। अब वो कौन सा वर्जन करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन नहीं करना है, अदरवाइज फिर कोई एरर वगैरह आएगा फिर मत कहना। तो आप लोगों को जो फाइल्स चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को सिंपल फ्री फायर की APK और OBB फाइल चाहिए, वो अगर आप लोग चाहो तो अपने मोबाइल से ही बैकअप ले सकते हो फ्री फायर मैक्स की, सॉरी। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे चाहिए एक फाइल एक्सप्लोरर करके एक एप्लीकेशन होता है जो हम लोग एमुलेटर के साथ चलाएंगे। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा उसका कैसा इंटरफेस होता है। तो आप लोगों को वो चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये चीजें हैं तो बस हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। तो उसके बाद आप लोगों को मैं आगे का प्रोसीजर भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मीमो मल्टीप्ले करके यहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन साथ मिलती है, आप लोगों ने उसे ओपन कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे न्यू को क्रिएट करना है, इसको आप लोगों ने पहले डिलीट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल न्यू पे चले जाना है, क्योंकि उसकी मदद से जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना एरर वगैरह का सीन बिल्कुल कम हो जाता है। यहाँ पे हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे जैसे क्रिएट का ऑप्शन आता है आप लोगों ने इसे क्रिएट कर देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अब आप लोगों के सामने मेरा ये लगभग होने वाला, तो हम लोग जरा इसे हो जाने देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हो भी चुका है तकरीबन। मैं उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये हो चुका है। आप लोगों ने सिंपल अब इसको लॉन्च या स्टार्ट जो भी आप लोगों के पास बटन है आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एमुलेटर बिल्कुल आप लोगों के सामने सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आप लोगों के सामने कोई एरर वगैरह नहीं है। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ सेटिंग्स पे चले जाना है सबसे पहले तो, और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना। 2 GB रैम है तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 कोर का CPU है, 2 GB रैम है तो आप लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल कर लेना है। अगर आप लोगों के पास 4 GB रैम है तो आप लोग हाई के ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड है तो आप लोग डायरेक्ट एक्स पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ओपन GL यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आप लोगों ने नीचे यहाँ पे आप लोगों को रूट ऑप्शन नजर आ रहा है, आप लोगों ने इसे भी आप लोगों ने लाजमी से इनेबल कर देना है। और अगर आप लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड है तो GPU मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन को भी ऑन कर लेना। उसके बाद आप लोग डिस्प्ले में जाना, डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 60 FPS रख लेना, और उसके बाद 1280x720 कर लेना FPS आप लोग 60 पे रख लेना सिंपल। और ये एंटी फ्लिकिंग का आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे परफॉर्मेंस में यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखना है, यहाँ से आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे आप लोगों को ये सिलेक्ट करना है गूगल पिक्सल। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने मलेशिया पे लाजमी सेलेक्ट कर लेना है मलेशिया। यहाँ पे मैंने मलेशिया भी सिलेक्ट कर लिया, इसको आप लोगों ने फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इनको रैंडमली आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उन ऊपर वाले सेटिंग को लाजमी से देख लेना। उसके बाद ओके पे क्लिक करना, उसके बाद रिस्टार्ट लेटर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अब आप लोगों की तमाम सेटिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल अब आप लोग अपने प्ले स्टोर में लॉगिन हो जाओ। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है मलेशिया VPN, आप लोग लाजमी देख ले, आप लोगों ने इसी को करना है। और मैं आप लोगों को VPN बता दूं, अभी ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर होगा, इसकी बाद में कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को बाद में VPN की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप लोग डाउनलोड कर लो, बस आप लोगों ने सिंपल इसे इंस्टॉल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, लाजमी से VPN यही वाला इंस्टॉल करना। ऑलराइट गाइस, तो हमारा VPN जो है ना जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोगों ने सिंपल फोल्डर पर चले जाना जहाँ पे आप लोगों ने ग्रीना फ्री फायर मैक्स की APK और OBB रखी हुई थी, यहाँ से आप लोगों ने सिंपल EX फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा खुद ब खुद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने फ्री फायर मैक्स की APK आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लोग कोई भी और जो है ना एमुलेटर अगर यूज़ करोगे तो एक वेरीफिकेशन का एरर आएगा, तो आप लोगों ने इसी को लाजमी से कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने एंड्रॉयड OBB और यहाँ से आप लोगों ने इसे कॉपी कर लेना है। इसको आप लोग जब कॉपी करोगे उसके बाद फिर आप लोगों ने सिंपल डाउनलोड पर चले जाना है। डाउनलोड पर जाने के बाद आप लोगों को मीमो डाउनलोड करके दिखेगा, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आप लोगों ने EX फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, आप लोगों ने सिंपल इंटरनल स्टोरेज यहाँ से डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं com.freefiremax का OBB, आप लोगों ने सिंपल इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद होम इंटरनल स्टोरेज एंड्रॉइड, यहाँ पे आप लोगों ने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, आप लोगों ने उस पर लिखना है OBB, उसके बाद आप लोगों ने टिक कर देना है। उसके बाद आप लोग इंटर
कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमारी 90-95% सेटिंग्स जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। ये सब आप लोगों को एक ही बार करना पड़ेगा, उसके बाद सब कोई भी ऐसा सीन नहीं आएगा। आप लोग यार बस एक बार का झंझट है देख लो, उसके बाद तो फिर मजे ही हम लोग फ्री फायर मैक्स को खेलेंगे अपने पीसी पे। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हो चुका है, आप लोगों ने एक बार जो है ना सबको एक बार आप लोगों ने क्लोज कर देना ताकि आप लोग, और एक बार जो है ना आप लोगों ने इसको रीस्टार्ट भी कर लेना है आपके एमुलेटर को। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एमुलेटर ओपन हो चुका है। अब आप लोगों ने वीपीएन ओपन करने से पहले आप लोगों ने एक बार गेम के ऊपर क्लिक कर लेना, उसके बाद ये जो है ना ये थोड़ी सी रन टाइम एक डाउनलोड होगा, आप लोगों ने इसे हो जाने देना है, अदरवाइज आप लोगों की गेम ओपन भी नहीं होगी। ये कुछ एमबीज का होता है, आप लोगों का डाउनलोड होगा, आप लोगों ने इसे लाजमी से कर लेना है, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है इतनी सारी सेटिंग्स का, बिल्कुल गेम ओपन ही नहीं होगी। अब ये गेम जब ओपन होगी आप लोगों ने इसे कट कर देना है। अब आप लोगों ने सिंपल आप लोगों ने अपने वीपीएन को ओपन कर लेना है, ऊपर आप लोगों ने देख लेगा ना कोई और कंट्री हो तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने मलेशिया सर्च करना है। मलेशिया सर्च करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने फ्री वाले पे क्लिक कर देना है, कोई टेंशन नहीं, और आप लोगों ने कनेक्ट पे क्लिक कर देना। तो गाइस ये स्टार्टिंग का है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, अभी जो है ना थोड़ा सा वो इशू वगैरह आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों के सामने मैं इसको जो है ना वो कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो फिलहाल अब आप लोगों ने फ्री फायर मैक्स को ओपन करना है, और उसके बाद यहाँ पे इशू आ रहा है की मैपिंग का, तो आप लोगों को वो कैसे सर्च करना है, आप लोगों को यहाँ की मैपिंग पे चले जाना है, उसके बाद आप लोगों ने इस माई स्मार्ट मोड पे होगा, आप लोगों ने इस पे स्टैंडर्ड पे कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों का जो है ना की मैपिंग का इशू बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, आप लोगों ने की मैपिंग पे जाके स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये कुछ 12-14 MB का अपडेट होगा, तो आप लोगों ने इसे भी कर लेना है अपडेट। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा गेम यहाँ पे ओपन हो चुका है, लॉगिन पेज भी आ चुका है, आप लोग फेसबुक से भी साइन अप कर सकते हैं, गेस्ट अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग एक बार जो है ना गेस्ट से चेकआउट कर लो, अदरवाइज आप लोगों की गेम आप लोगों को पसंद आ जाती है तो फिर भाई आप लोग अपना अकाउंट भी लिंक कर लेना। मैं जरा गेस्ट से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक एरर आता है, वो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये एरर है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक बार आप लोगों ने गेम को क्लोज कर देना है, उसके बाद अब मैं आप लोगों के सामने वीपीएन को आप लोगों का डिलीट करके दिखा देता हूँ। मैं जरा इसको क्लोज कर रहा था, नहीं हो रहा था, तो अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वीपीएन खत्म, कोई कनेक्ट वगैरह का सीन नहीं आप लोगों के सामने है। अब मैं जरा इस गेम को दोबारा से आप लोगों के सामने जो है ना ओपन करके दिखाता हूँ, और आप लोगों के सामने कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा। तो वो जो एरर आता है ना वो एक बार जो है ना हमारी आईपी एड्रेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों को इस वीपीएन की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने भी डिलीट कर देना अगर आप लोग चाहो तो। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा गेम बिल्कुल ओपन हो चुका है, और अभी तक हमारी की मैपिंग का भी आप लोगों का कोई सीन नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों को प्री की मैपिंग देखने को मिलेगी, आप लोगों ने बस सिंपल वहाँ से स्टैंडर्ड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना, और उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से डिस्प्ले को चेकआउट कर लेना लाजमी से, और अगर आप लोग नहीं चाहते यानी कि ये खुद ब खुद भी आप लोगों के पीसी के मुताबिक इसको सेट कर लेगा, अगर आप लोग बेहतर तो या ना ही करना, ये खुद ही जो है ना डिटेक्ट कर लेगा। तो गाइज यही बताना था कि यार फ्री फायर मैक्स आप लोग अपने पीसी के अंदर कैसे खेल सकते हैं। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, आपका भाई आप लोगों के लिए वो मैं स्पेशल वीडियो लाजमी से याद रखना और नीचे आप लोग लाइक का बटन भी प्रेस कर देना, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता है। तो आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।